लवली यूनिवर्स मून दोस्तों, जैसे कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जबरदस्त स्पीड मतलब कि माइंड ब्लोइंग बिटकॉइन को भी पीछे करते हुए लवली यूनिवर्स आगे बढ़ चुकी है। अब कहां जाके रुकने वाली है, अनस्टॉपेबल है दोस्तों, बिल्कुल अनस्टॉपेबल। मैंने लॉन्च के समय इस पे 650 रुपये लगाया था और अभी जो इसकी वैल्यूएशन है दोस्तों वो लगभग 40,000 रुपीज़ के करीब है। मतलब कि अगर मैं ऐसे भी कैलकुलेट करूं तो मुझे मोर देन 50 टाइम्स का रिटर्न अब तक मिल चुका है। जहां कि आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर क्या कह रहा हूं, चलिए मैं आपको अपनी एसेट्स आज दिखाई देता हूं, आप सभी के सामने अनवील कर ही देता हूं कि मैंने भी बहुत पहले से लवली यूनिवर्स कॉइन को परचेस कर रखा है। जहाँ कि मैं मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ गया था, अगर मैं चाहता तो यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर सकता था, बट मैं बस आप सभी को एक ही बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, न्यू कॉइन्स पे मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ जाइए। लवली यूनिवर्स कॉइन ने जरूर बहुत कुछ चेंज करके दिखाया, मतलब कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे बढ़ रही है ये कॉइन दोस्तों। जहाँ कि अभी भी अगर हम देखें तो 119%, कोई छोटा मोटा मार्जिन बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जहाँ कि बड़े बड़े कॉइन्स को 100% बढ़ने में महीनों लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, बट लवली यूनिवर्स कॉइन ने इस मार्क को 1 महीने से भी कम के समय में अचीव कर लिया है। जहाँ कि लवली यूनिवर्स कॉइन हर तीसरे दिन आप सभी को लगभग 100% की गेन करके दिखा रही है। और दोस्तों कंपेरिजन किसी के साथ है ही नहीं इस कॉइन की, अगर मैं सही मायने पर कहूँ तो इतनी ज़्यादा स्पीड से ये आगे बढ़ रही है, मतलब कि अनस्टॉपेबल हम इसे कह सकते हैं, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। और अभी भी अगर हम इसकी तेज़ी को देखें, इतनी स्पीड से ट्रेडिंग हो रही है दोस्तों, यहाँ पे कहने की कुछ बात ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त स्पीड के साथ ट्रेडिंग हो रही है। अगर आप सभी यहाँ पर ट्रेड करना चाहें तो मैं ज़रूर से आप सभी को वार्न करना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिए, क्योंकि ये कॉइन इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। अगर आप अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इस कॉइन की रफ्तार के आगे सभी कॉइन फेल है। बट मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगी, मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ जाइएगा। और आज हम बात करने वाले हैं लवली यूनिवर्स कॉइन के कुछ खास नए अपडेट्स के बारे में, जिसके चलते इस कॉइन पे और भी बहुत बड़ी पंप आ सकती है दोस्तों। जी हाँ, मैं अब तक जितनी बड़ी पंप आई है उससे भी बड़ी पंप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब इस कॉइन पे, क्योंकि अभी बहुत सारी न्यूज़ आनी बाकी है। चलिए आपको वन बाय वन सभी कुछ एक्सप्लेन करूँगा, बट सबसे पहले चलिए मैं आपको अपनी एसेट्स थोड़ी दिखा देता हूँ बिटमार्ट पर, जो कि लवली यूनिवर्स कॉइन की मेरी एसेट्स है। और आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे पास अभी करंट लवली यूनिवर्स कॉइन है दोस्तों, वो लगभग 105 करोड़ से, और इसकी जो वैल्यूएशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ कि मैंने लगभग 650 रुपये का ही लवली यूनिवर्स कॉइन परचेस किया था। तो आप सभी खुद कैलकुलेट करके बताइएगा कि ये लवली यूनिवर्स कॉइन मुझे कितना प्रॉफिट दे रही है। और मैं इस कॉइन को बिल्कुल भी अभी सेल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल आसानी से किया था दोस्तों, बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे मैंने ये 650 रुपये इन्वेस्ट किए थे एक ट्रायल के लिए। जहाँ कि मैं इसे अभी सेल बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, मैं इसे होल्ड करके रखने वाला हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। और आप सभी को भी यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सभी ने लवली यूनिवर्स कॉइन को परचेस किया तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सोचिएगा दोस्तों। जहाँ कि अभी भी हम लवली यूनिवर्स कॉइन को देखें तो 120% ऊपर ट्रेड कर रही है अभी भी लवली यूनिवर्स कॉइन। जहाँ कि अगर 1 घंटे पहले की मैं बात करूँ तो लगभग 200% पे ट्रेड कर रही थी, काफ़ी स्पीड से यह अप डाउन छोड़ रही है दोस्तों, जो कि काफ़ी बड़ी बात दिखा रही है। और अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखें तो बहुत बड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम शो हो रही है यहाँ पे। जहाँ कि आप ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखेंगे दोस्तों, बहुत स्पीड से ट्रेडिंग वॉल्यूम इस कॉइन पर आ रही है, तो चांसेस अब काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं कि लवली यूनिवर्स कॉइन जो आप सभी को ज़बरदस्त पंप और भी दिखाएं। साथ ही साथ दोस्तों लवली यूनिवर्स कॉइन के रिगार्डिंग आने वाली अपडेट्स क्या है वो चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं, और लवली यूनिवर्स कॉइन कितनी आगे निकल सकती है वो भी चलिए हम रियलिस्टिकली देखते हैं। जहां कि अनएक्सपेक्टेडली लवली यूनिवर्स कॉइन मूव कर रही है, अगर इसी स्पीड से लवली यूनिवर्स कॉइन आगे बढ़ती है तो कितनी जल्दी 1 रुपये को हिट कर सकती है लवली यूनिवर्स कॉइन, चलिए आप सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और कितने डे में शिबा इनू को बीट कर सकती है लवली यूनिवर्स कॉइन, चलिए उससे भी जानेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा दूर का सफर नहीं है दोस्तों। जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं स्पीड काफ़ी ज़्यादा लवली यूनिवर्स कॉइन की, जहाँ कि शिबा इनू और डॉज कॉइन को स्पीड के मामले में लवली यूनिवर्स कॉइन ने बीट कर ही दिया है। अब बीट कितने दिनों में करेगी चलिए ये भी हम इस वीडियो में जान ही लेंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी अच्छी पिक्स के लिए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज आप सभी के लिए एक्सक्लूसिव क्रिप्टो कंटेंट लेके आते रहते हैं दोस्तों, साथ ही साथ एक्सक्लूसिव पिक्स एक्सक्लूसिव सिग्नल भी बताते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो जरूर से हो जाइएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लॉन्च के पहले ही हमने लवली यूनिवर्स कॉइन को आपको सजेस्ट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद ही दोस्तों हम किसी भी कॉइन को आपको सजेस्ट करते हैं। उसके बाद भी हम यही रिकमेंड करते हैं कि अपनी रिस्क कैपेसिटी को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है 500 से 1000 रुपये की। बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद जब रिजल्ट आती है दोस्तों तो रिजल्ट कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहाँ पर अभी लवली यूनिवर्स कॉइन आप सभी को
38% ऊपर देखने को मिल रही है। ऑसम माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस आ रही है लवली न्यूक्वाइन की तरफ से। आगे क्या होने वाला है चलिए हम सीधे जानते हैं बहुत ही धमाकेदार अपडेट्स के साथ। जहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर सबसे बड़ी अपडेट की हम बात करें तो आप सभी को डॉक्टर स्कल नाम की ये टोकन देखने को मिल रही है जिससे लवली इनू क्वाइन पावर कर रही है। दोस्तों लवली इनू के लॉन्च पैड पे ये टोकन लॉन्च हुई थी और इस टोकन की जो प्राइमरी लॉन्च होने वाली है वो बिटमार्ट पे होने वाली है 25th को। तो इस टोकन पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत बड़ी पंप आए। लवली इनू की कंपैरिजन हम नहीं करेंगे इस टोकन से क्योंकि टोकन बहुत ही ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बट एक पंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि लवली इनू जब इतनी तेज़ी से आगे निकल रही है तो ज़रूर से डॉक्टर स्कल भी जिसका नाम होने वाला है DRSL दोस्तों वो बिटमार्ट पर लिस्ट होने वाली है 25th को। तो आप सभी इसके लिए भी तैयार रहिएगा। अगर आप सभी डॉक्टर स्कल को परचेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से बिटमार्ट से परचेस कर पाएंगे। तो अगर आप सभी डॉक्टर स्कल के लिए इंटरेस्टेड है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं जो लवली इनू के बाद डॉक्टर स्कल को परचेस कर पाने हैं, परचेस करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि लवली इनू क्वाइन ने आप सभी को बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट निकाल के दिया ही है। अब क्या बारी आने वाली है डॉक्टर स्कल की। जहाँ की दूसरी सबसे बड़ी अपडेट की हम बात करें तो वो बर्निंग की अपडेट है दोस्तों, जहाँ की लवली इनू क्वाइन ने अपनी सप्लाई को घटाकर 85 trillion पे ले आई है। क्योंकि आप सभी को पता है लवली इनू क्वाइन जो है लगातार बर्निंग कर रही है। अब जो नेक्स्ट बर्निंग होने वाली है लवली इनू क्वाइन की वो 1 September को होने वाली है। इस बर्निंग का हमें कितना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है वो तो आप सभी ने देखा है, जहाँ की बर्निंग के पहले से क्वाइन में तेजी आना चालू हो चुकी थी और आज क्वाइन एक्सप्लोड कर चुकी है। लगभग 200% की पंप एक ही डे में हमें क्वाइन पे देखने को मिल चुकी है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे इस वीक में परफॉर्मेंस बरकरार रहने वाली है और अगले वीक में फिर से क्वाइन एक्सप्लोड करेगी दोस्तों। आप सभी जरूर से तैयार रहिएगा लवली इनू के इस इंपैक्ट के लिए क्योंकि लवली इनू एक बार फिर से बहुत जबरदस्त तेजी आप सभी को दिखा सकती है 1 September के पहले और 1 September के बाद। तो आप सभी को 200-300% की पंप ऐसे ही देखने को मिल सकती है। अब तक की परफॉर्मेंस की क्वाइन से हम ये जरूर से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आगे भी इसी तरीके की परफॉर्मेंस बनी रही दोस्तों तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा लवली इनू क्वाइन को सिवा इनू को बीट करने में। जहाँ कि अगर बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को टच करती है तब तो लवली इनू के लिए सिनेरियो मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, जहाँ कि अगर इसी स्पीड से आगे बढ़ेगी क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर सप्लाई काफ़ी घटते जा रही है। यहाँ पर हमें सिवा इनू जैसा सीन नहीं देखने को मिल रहा है कि सप्लाई बरकरार है, उसके बाद भी क्वाइन को ठेला जा रहा है पंप करने के लिए। यहाँ पे सप्लाई घट रही है तो पंपिंग सिनेरियो तो बनी रही है और अगर बिटकॉइन ऑल टाइम हाई को टच करती है तो ये क्वाइन जरूर से एक्सप्लोड करने वाली है। साथ ही साथ और कुछ बड़े अपडेट्स की हम बात करें लवली इनू क्वाइन की तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 exchange की नेम दी गई दोस्तों, जहाँ पे बिनांस का बेसक नाम अभी नहीं है, बट अगर ये क्वाइन इसी तरीके से स्पीड दिखाती है तो ज़रूर से बिनांस पे भी लिस्टिंग बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि ओवरऑल जो एक मार्केट में हाइप क्रिएट हो रहा है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा है। लगातार इन्वेस्टर लवली इनू के साथ जुड़ रहे हैं, अभी न्यू इन्वेस्टर है दोस्तों तो थोड़ा समय लगता है क्वाइन को सेटल होने के लिए और यही पीरियड होता है जब आप सभी अल्टीमेट रिटर्न ले सकते हैं। अगर आपको याद ना हो तो सिवा इनू को भी हम देखें तो सिवा इनू जब न्यू थी तो सिवा इनू ने जबरदस्त पंप दिखाया था, डॉज क्वाइन जब न्यू थी दोस्तों तो डॉज क्वाइन ने जबरदस्त पंप दिखाया था और अभी लवली इनू न्यू है तो लवली इनू जबरदस्त पंप दिखा सकती है। तो अगर आपने इस टोकन को अब तक बाई नहीं किया तो अभी भी आप 1000 rupees इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ टोकन गैदर कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आप सभी को आगे बहुत अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। लेकिन रिकमेंडेशन फिर से वही रहेगी अपनी रिसर्च कीजिए और अपनी रिस्क कैपेसिटी को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है क्योंकि यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्वाइन बहुत ही नहीं है बट परफॉर्मेंस अनबीटेबल अनएक्सपेक्टेबल है दोस्तों। जहाँ की अगर हम एक रियलिटी प्रैक्टिकल टेस्ट करें तो इतनी जल्दी इतनी आगे कोई भी क्वाइन अब तक नहीं निकली थी दोस्तों। जहाँ तक डेटा मुझे मिली है, जहाँ तक डेटा मैं कलेक्ट कर पाया उसके मुताबिक दोस्तों ऐसी कोई भी क्वाइन अब तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है जो इतने कंसिस्टेंटली, जहाँ की लवली इनू क्वाइन में अगर आपको पंप देखने को मिलता है तो डंप नहीं आता और जो दूसरे क्वाइन से वहाँ अगर पंप आता है तो डंप भी आ जाता है, लेकिन लवली इनू क्वाइन कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रही है। जहाँ की थोड़े थोड़े करेक्शन तो देखने को जरूर से मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर करेक्शन नहीं होगा तो ये सीढ़ी लाइन में कभी भी क्रिप्टो करेंसी आगे बढ़ती नहीं है। थोड़े थोड़े करेक्शन जरूर से देखने को मिलते हैं बट एक डंप जो होता है वो हमें लवली इनू क्वाइन में नहीं देखने को मिल रहा है, जो सिनेरियो को और भी ज़्यादा बुलिश बनाती है। तो आप सभी लवली इनू क्वाइन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सिवा इनू को लवली इनू क्वाइन बीट कर सकती है, जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जहाँ कि मुझे जरूर से लगता है अगर सिनेरियो बुलिश रही तो सिवा इनू को लवली इनू बहुत जल्दी बीट कर देगी क्योंकि इसकी तेजी के सामने सब कुछ फेल है और सप्लाई लगातार कम होते जा रही है तो बीट करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो आप सभी ने लवली इनू क्वाइन को बाय किया है या नहीं किया है जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि हम आप सभी के लिए रेगुलर क्रिप्टो अपडेट्स लेके आते रहते हैं जिससे कि आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और लॉसेज बिल्कुल ना हो।
और एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत बड़ा आ रही है, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है कि उन्हें लवली नुकॉइन कैसे परचेज करना है। अगर आप भी इनमें से एक है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आप सभी के लिए जरूर से एक और एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं आप सभी को फिर से एक बार लवली नुकॉइन को परचेज करके दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव रहने वाली है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग दी वीडियो।